कांग्रेस को हर उस चीज से नफरत है जो मोदी सरकार के दौरान की गई हो या बनाया गया हो। इसलिए कांग्रेस का इरादा मोदी सरकार के दौरान बनाए गए हर भवन, हर संस्था को नष्ट करने का है। कांग्रेस के इन इरादों का पता पार्टी के नेता जयराम रमेश ने बता दिया। मोदी सरकार ने नए संसद भवन का निर्माण जरूरतों के हिसाब से करा, लेकिन कांग्रेस को इससे नफरत है। यही वजह है कि नए संसद भवन के निर्माण से लेकर इसके उद्घाटन तक हर कहीं कांग्रेस ने अड़ंगा डाला। निर्माण रोकने के लिए तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। अब जब नया संसद भवन बनकर तैयार हो गया है, संसद के विशेष सत्र का आयोजन भी उसी नए संसद भवन में हुआ और आगे भी होगा। इस बीच कांग्रेस के जयराम रमेश ने कह डाला कि पुरानी संसद के मुकाबले नई संसद के डिजाइन में कई खामियां हैं। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि पुरानी संसद के मुकाबले नई संसद में न तो सदस्यों के बीच बातचीत और मेलजोल की जगह है, न ही कर्मचारियों को काम करने में सुविधाएं हो रही हैं। जयराम रमेश ने यह भी कहा कि 2024 में सत्ता परिवर्तन के बाद नए संसद भवन को बेहतर उपयोग का रास्ता ढूंढा जाएगा। मतलब नए संसद भवन का इस्तेमाल कांग्रेस किसी दूसरे काम के लिए करेगी और संसद का संचालन उसी पुराने संसद भवन से किया जाएगा। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि नई संसद भवन का उद्घाटन जिस तरह से बड़े प्रचार प्रसार के साथ किया गया, वह पीएम मोदी के उद्देश्य को साकार करने वाला है। नई संसद को वास्तव में मोदी मल्टी कॉम्प्लेक्स या मोदी मैरियट कहा जाना चाहिए। 4 दिन की कार्यवाही के बाद मैंने देखा कि संसद में एक दूसरे से संवाद की जगह नहीं बची। ऐसा संसद के दोनों सदनों और परिसर में, जयराम रमेश ने कहा कि यदि आर्किटेक्चर लोकतंत्र को मार सकते हैं तो पीएम मोदी ने बिना लिखे संविधान को खत्म करने में सफलता हासिल कर ली। नई संसद भवन में सदस्यों के बीच दूरी का दावा कर रमेश ने कहा, यहां बैठने वाले सदस्यों को एक दूसरे को देखने के लिए दूरबीन की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि हॉल बिल्कुल आरामदायक या कॉम्पैक्ट नहीं है। पुराने संसद भवन की खूबियों का जिक्र करते हुए जयराम रमेश ने कहा कि पुरानी संसद में अपनी एक अलग खूबसूरती थी, वहां सदस्यों के बीच संवाद की सुविधा भी थी। दोनों सदनों, सेंट्रल हॉल या संसद के गलियारों में घूमना भी आसान था। नई संसद इस जुड़ाव को खत्म करता है। जयराम रमेश ने दावा किया कि पुरानी संसद में अगर कोई खो जाता था तो वह आसानी से रास्ता ढूंढ लेता था क्योंकि उसका आकार गोलाकार था, जबकि नई संसद भवन भूल भुलैया है, इसमें खो जाने पर रास्ता नहीं मिलेगा। पुरानी संसद में अतिरिक्त जगह और खुलेपन है, जबकि नए संसद कॉम्पैक्ट है। नई संसद में घूमने का आनंद खत्म हो गया। पुराने संसद भवन में जाने के लिए मैं हमेशा उत्सुक रहता था, लेकिन नई संसद आरामदायक नहीं है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भाजपा और एनडीए के सहयोगी दलों के सांसदों को भी इसी तरह की परेशानी का सामना करने का संकेत देते हुए कहा, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि पार्टी लाइन से परे संसद के कई सहकर्मी भी ऐसा महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि संसद के कर्मचारियों ने भी सुविधाओं का जिक्र किया। रमेश ने कहा, मैंने संसद के कर्मचारियों से ये कहते सुना, नए संसद भवन के डिजाइन में उन्हें अपना काम करने में मदद करने के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर पर विचार नहीं किया गया है। उन्होंने नई संसद के निर्माण में विपक्ष से सलाह नहीं लेने पर तंज कसते हुए कहा, ऐसा तब होता है जब संसद भवन में बैठने वाले अन्य लोगों से कोई परामर्श नहीं किया जाता। शायद 2024 लोकसभा चुनाव में सत्ता बदलने के बाद संसद भवन का बेहतर उपयोग हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।